मगरमच्छ ने महिला पर किया जानलेवा हमला। झांसी जिले के मौठ थाना क्षेत्र में उस वक्त हलचल मच गई जब नदी में नहाने गई एक महिला का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया। यह देख साथ में खड़े लोगों में हड़कंप मच गया। फिलहाल एक साहसी युवक ने नदी में कूदकर पत्थर से मगरमच्छ के सिर पर प्रहार किया। तत्पश्चात बमुश्किल महिला को मगरमच्छ की पकड़ से छुड़ाकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में उपचार हेतु भर्ती कराया गया। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला मौठ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सारण का है, जहां ग्राम सारण निवासी शंकर पाल के परिवार में शादी थी। इसी शादी समारोह में शामिल होने मध्य प्रदेश के सीतापुर निवासी उसकी बेटी सुधा, पत्नी दीपक, उम्र करीब 25 वर्ष, अपने मायके सारण आई हुई थी। इसी दौरान पास से निकली बेतवा नदी में नहाने के दौरान अचानक मगरमच्छ ने सुधा का हाथ और पैर अपने मुंह में जकड़ लिया। यह देख वहां पर खड़े लोगों में हड़कंप मच गया। पास में खड़े लोगों ने हिम्मत जुटाकर गांव के ही देवेंद्र और अर्जुन ने पास में ही पड़े बड़े बड़े पत्थरों से मगरमच्छ पर प्रहार करना शुरू किया, तो बमुश्किल मगरमच्छ महिला को छोड़कर भाग गया। फिलहाल आनन फानन में परिजनों की मदद से महिला को मौठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार हेतु भर्ती कराया गया, जहां उसके हाथ और पैर में गंभीर चोट थी, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद महिला को जिला अस्पताल झांसी रेफर कर दिया। क्या नाम है आपका? देवन। क्या घटना हो गई है? जो है नदिया में जे नहा रही थी, थोड़े हल्के पानी में, भागे बाद का हुआ कि मंगरा आया, उसने जड़ पर लगाई, सुजन ने अपना बचाव करो, तो पहले तो हाथ पे पकड़ो, फिर जड़ पर भागी तुरंत घुटने में, फिर अर्जुन पहुंच गया वहाँ बचाने के लिए, उन्होंने पत्थर पड़ के जाके बाद बचा पाया हूँ। फिर कहाँ लाए? मेडिकल। कहाँ की घटना है जी? सारण। पुष्पेंद्र श्रीवास के साथ नेहा श्रीवास की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज़, झांसी।